हेलो गाइस, तो हम लोग ने आर्बिट्रेशन के कुछ बेसिक्स कवर करे हैं। आज कुछ और बेसिक्स कवर करते हैं, ठीक है। तो इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 12, 13, 14 और 15 में इट कंटेन्स दोज प्रोविजंस थ्रू विच यू कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या कहता है, अब मैं जिस्ट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। जिस्ट ये है कि एज सून एज द नॉलेज ऑफ बायसनेस, मैंने आपको बताया था कि जो आर्बिट्रेटर होता है ही इज कंटिन्यूअसली अंडर द बर्डन that he has to prove that he is unbiased, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि as soon as the knowledge of biasness comes to the party, any of the party, he can challenge it within 15 days and send a written notice to the arbitrator or the arbitrators, ठीक है ना। अगर एक arbitrator की biasness को challenge करना है तो उस arbitrator को notice दीजिए, कईयों की challenge करनी तो उन सबको दीजिए, ठीक, 15 दिन के अंदर, ठीक। If both parties challenge the appointment of arbitrator, आर्बिट्रेटर हैज टू विड्रॉ, ठीक। ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, अगर दोनों पार्टी ने चैलेंज कर दिए है आर्बिट्रेटर के बायसनेस को, तो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को, देन आर्बिट्रेटर हैज टू विड्रॉ, ठीक। दूसरा है, इफ ओनली वन पार्टी चैलेंजेस आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर कोई एक पार्टी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ बायसनेस, रिमेंबर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बायसनेस। हम लोग ने चैलेंज दो बेसिस पढ़ा था, कि एक बायसनेस के बेसिस पढ़ा था और एक हम लोग ने एक और कवर करा था कि डज नॉट पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, ठीक। तो अब बायसनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अगर एक पार्टी ने चैलेंज किया है, देन लुक एट द पावर ऑफ द आर्बिट्रेटर हियर, कि इफ ओनली वन पार्टी चैलेंजेस द आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट ऑन बायसनेस, देन द आर्बिट्रेटर हिमसेल्फ हैज टू डिसाइड, ठीक, कि ही शुड कंटिन्यू the arbitration or not, he should continue with being the arbitrator or not, ठीक। arbitrator himself decides, he may withdraw or continue with the proceedings, ठीक। if one party not satisfied, then dissatisfied party can only file section 34 in high court after arbitral award is passed। अगर एक पार्टी को लगता है कि भैया ये जो है unbiased आदमी है, मतलब biased है ये arbitrator जो है, this arbitrator is a biased person, and other party does not think he is a is a biased person, another party thinks he is perfectly honest and one party thinks that he is biased, then the party which thinks that the arbitrator is biased, उसके करने से कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। arbitrator खुद decide करेगा कि उसको proceeding continue करनी है कि नहीं। the only recourse that the unsatisfied party or the party that thinks that the arbitrator is biased, the only recourse he has is he can file a application under section 34 in the high court, that means जब arbitral award pass हो जाएगा, तब आप 34 में जो चैलेंज करते हो उसको, तब वैसे ही इसको भी चैलेंज कराया जाएगा, उसके बीच में कुछ नहीं, प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपको लगता है लगता रहे कि भैया ये बायस्ड है क्या, है कि नहीं है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सेक्शन 14 डिफैक्टो, ठीक। अब देखिए सेक्शन 14 कहता है कि 14(1)(b) भी बात करता है कि जो आर्बिट्रेटर है ही विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस विदाउट गिविंग ए रीजन, 15(1)(a) बात करता है विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस विदाउट with by giving a reason, ठीक। If parties are of view that arbitrator should not continue and arbitrator doesn't withdraw, then under section 14 to move application to the court, ये भी एक recourse है, लेकिन ये recourse तब है जब both the parties think कि arbitrator is not a fit person to continue with the arbitration, ठीक। तो 14(1)(2) में application, 14 clause 2 में application डालेगा। section 15 क्या बात करता है, if arbitrator is removed or he himself withdraws, how will the new arbitrator appointed, ठीक। section 15 ये बात करता है, और जो पुराने arbitrator ने जो भी proceeding conduct करी है उसका क्या होगा, ठीक। अब देखिए answer ये है कि जो procedure पहले चलता आ रहा है वही procedure follow होगा, बस नया arbitrator कुर्सी पे आगे बैठ जाएगा, पुराने उठ के चले जाएंगे जहां से continue हुआ है, ठीक। कुर्सी पे आगे बैठ के नया arbitrator, now new arbitrator is at a discretion to nullify old orders or continue with from wherever it is left, ठीक। this is a very important section ki arbitrator yahan pe he is at a discretion to nullify the old orders passed by the previous arbitrator or he can start the proceeding from wherever it is left, ठीक है ना। सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 लेस डाउन ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, ठीक है ना। हम लोग ने पढ़ के आया कि 12 महीने के अंदर कवर करना है, अपनी अनबायसनेस दिखानी है, ठीक। सेक्शन 13 भी हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया, सेक्शन 14
सेक्शन 14 क्या बात करता है, सेक्शन 14 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर। मैंडेट मींस राइट और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर इज ओवर। ठीक, आर्बिट्रेटर मे बी रिमूव्ड डी ज्यूर और डिफैक्टो इफ ही इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। ठीक, ही मे ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द ऑफिस ऑन हिज ओन मोशन, यू कैन से पार्टीज मे ऑल्सो अग्री टू रिमूव और एंड मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर। ठीक, पार्टीज में लुक लुक एट हाउ हाउ इंपॉर्टेंट दिस सेक्शन इज, पार्टीज में अग्री टू रिमूव एंड एंड द मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है भैया, अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्टीज दे देमसेल्फ डिसाइडेड टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर। नाउ अब जब दे देमसेल्फ हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर देन दे देमसेल्फ हैव द पावर टू रिमूव द आर्बिट्रेटर बाय अग्रींग ऑन म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट इज वॉट सेक्शन 14 सेज, पार्टीज मे ऑल्सो अग्री टू रिमूव और एंड मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, काफी अच्छा, काफी एक बहुत ही एम्पावरिंग सेक्शन है जो पार्टीज को एम्पावरिंग पावर्स दी गई है इसमें पार्टीज को। ठीक है, काफी एम्पावर कराया गया पार्टीज को। ठीक, सेक्शन 14 और 15 आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नजर आएगा। सेक्शन 14 और 15 में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 14 एंड 15 इज अंडर सेक्शन 14 देयर इज अ फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी ऑन द आर्बिट्रेटर। ठीक है, ऑन दीज ग्राउंड्स आर्बिट्रेटर में विड्रॉ हिमसेल्फ although party may agree to terminate the mandate but under section 15 there may not be any reason for the same and arbitrator might recuse himself or party may voluntarily agree to termination of proceeding। yahi hai ki section 14 mein reason hoga ki wo aap arbitrator ko hataya ja raha hai arbitrator ko hata raha hai, section 15 mein koi reason nahi। theek, both the sections talk about टर्मिनेशन एंड अपॉन सब्सटीट्यूशन द प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी डन। अब सेक्शन 15 ये बात कर रहा है कि भाई टर्मिनेट अगर हो गया है तो उसके बाद जो नए आर्बिट्रेटर आएंगे उसको किस तरीके से प्रोसीडिंग चालू करनी। तो मैंने आपको बता दिया कि नया आर्बिट्रेटर जो आएगा इट ही इज एट द डिस्क्रिशन टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर ओल्ड आर्बिट्रेटर इज लेफ्ट और टू स्टार्ट द न्यू फ्रॉम स्टार्ट द आर्बिट्रेटर एज अ डी नोवो आर्बिट्रेशन। ठीक है ना, सेक्शन 16। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें कुछ हम लोग ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात करी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेक्शन 16 बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।